नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेन लिली को बल्ब से किस प्रकार से लगाएं। आप ये प्लांट जो देख रहे हैं रेन लिली के प्लांट हैं, ये मात्र 4 से 5 रेन लिली के प्लांट्स हम लेके आए थे और उसके बाद हमने इसको ग्रो किया और ये आज देख रहे हैं काफ़ी सारे रेन लिली के प्लांट हो गए हैं। एक बल्ब से काफ़ी सारे बल्ब तैयार हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और इसको किस प्रकार से लगाएं जिससे कि अधिक से अधिक फ्लावर्स हो सकें। ये प्लांट्स के बल्ब आप अपने मित्र पड़ोसी या कहीं से भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं ये इसका रेन लिली का बल्ब है। ये बल्ब आज हम 8-10 बल्ब इसके निकाले हैं और इन बल्बों को हम बताएंगे किस प्रकार से ग्रो करेंगे। इस देखिए ये बल्ब है इसका और इसी बल्ब से इसमें एक बंच बन गया है। ये देखिए इसमें कम से कम 8-1 प्लांट इसमें आसपास के हैं और इनको सभी को हम अलग अलग करेंगे और अलग अलग प्लांट तैयार हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम सब इन सबको अलग अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी मिट्टी कैसे प्रकार से तैयार करें जिससे कि इसमें अधिक से अधिक फ्लावर्स आएँ। इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के लिए हमने इसमें गार्डनिंग सॉयल, वर्मी कंपोस्ट एंड सैंड का यूज कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें हमने एक चम्मच इसकी हमने बोन मील्स एंड सीवीड्स और फंगीसाइड का यूज़ किया है। जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड है उसका हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि इसमें फंगस ना लगे और अच्छी तरह से ग्रो हो सके। इसको हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ओनली प्लांटेशन कर देंगे। ये मिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें प्लांटेशन करेंगे। रेन लिली के बल्ब को एक गमले में कम से कम 5 से 6 आप लगा सकते हैं जिससे कि इसमें अधिक से अधिक भर जाएगा और जब ये बड़े होंगे तो और उसमें फ्लावर्स आएंगे तो आपका गमला खूबसूरत दिखेगा, फूलों से भर जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने अभी फर्स्ट लगाया एंड इसके देन सेकंड भी हम लगा देते हैं। इसी प्रकार से हम सारे प्लांट्सों को एक एक करके प्लांटेशन कर देंगे। मैंने इसमें 5 से 6 प्लांट्स लगाए हैं और इसमें पानी दे दिया है। ये हमारे प्लांट्स लग के तैयार हो चुके हैं और कुछ समय बाद इसका रिजल्ट इस प्रकार से आएगा जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा और आपका ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।